कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करे अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। 19 मार्च 2023 को NCHM ने MSc JEE 23 की नोटिफिकेशन गाइस आउट कर दी है। 28th ऑफ मई को गाइस एग्जाम होना है। मैं आपको बता दूं NCHMCT MSc कोर्स करवाता है और MSc कोर्स जो है वो गाइस टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप अगर किसी होटल में काम कर रहे हैं, आप अपना प्रोफेशन स्विच करना चाहते हैं, आप NCHM से एफिलिएट किसी भी IHM में टीचर बनना चाहते हैं, आप MSc करना चाहते हैं या फिर आप अपने BSc H&HA के थर्ड ईयर में हैं, सिक्स सेमेस्टर में हैं अभी और आप इसके बाद MSc करना चाहते हैं गाइस, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है बट इसमें मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उस ब्रोशर में क्या है, इस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको बहुत डिटेल में गाइस बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज राणा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन। गाइस, राणा एजुकेशन NCHMCT JEE की कोचिंग देता है, MSc की कोचिंग देता है। MSc करने के बाद आपको किसी भी IHM में टीचर बनने से पहले एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, उस एग्जाम को बोलते हैं NSTAT और NSTET। उसकी कोचिंग भी राणा एजुकेशन देता है, नेट टूरिज्म की कोचिंग भी राणा एजुकेशन देता है और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम की कोचिंग भी राणा एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। तो गाइज, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए देखते हैं उस नोटिफिकेशन में क्या क्या है, उस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं, इस साल क्या चेंजेस किए हैं NCHM ने अपने MSc के प्रोग्राम में और कैसे आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपने आ जाना है NCHMCT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे आप जाएंगे गाइस। ये इसका होम पेज है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है एडमिशन टू 2 ईयर MSc इन HA हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, एंड अप्लाई ऑनलाइन टिल 10th of May। इस पे आप क्लिक कर लेंगे, यहाँ लिखा है क्लिक हियर। हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो थीम्स का एक पोर्टल खुलेगा जहां पे जाके आप MSc के लिए अप्लाई करोगे, ओके। तो गाइज, ये थीम्स का पोर्टल है, यहाँ पे आप देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, 19th मार्च, आज ही ये पोर्टल ओपन हुआ है, ओके। आज से लेके 10 मई तक आप इस MSc प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो गाइज, ऑलराइट। और यहाँ पे जो फी, आपकी फी क्या होने वाली है वो यहाँ पे दिया हुआ है और ये ब्रोशर है गाइज, है ना, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रोशर में क्या क्या है, ऑलराइट। ओके गाइज, तो ये रहा वो ब्रोशर, है ना, MSc हॉस्पिटैलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑलराइट, है ना। आज ही ब्रोशर NCHM की वेबसाइट पे आया है। 23-25 बैच के MSc में जो एडमिशन होनी है उसके लिए ब्रोशर है ना, ऑफर्ड बाई NCHMCT। और जो सबसे बड़ा चेंज इस साल इन्होंने किया है गाइज, रिकॉग्नाइज्ड बाय JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नंबर 2 यूनिवर्सिटी है इंडिया में। आज से पहले, इस साल से पहले गाइज, इस कोर्स को रिकॉग्नाइज करता था इग्नू, है ना, एंड नाउ दे हैव कोलैबोरेट विद JNU, ओके। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी जो डिग्री होने वाली है उसको रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है, JNU। गाइज, ये ब्रोशर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं NCHM की वेबसाइट से। सेकंड, मैंने इस ब्रोशर का जो PDF है गाइज वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जाके भी आप इसको देख सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जो मेन मेन पॉइंट्स हैं गाइज वो मैंने हाईलाइट करने की कोशिश करी है। जैसे सबसे मेन पॉइंट है कि 23rd February को, बहुत अभी हाल ही में 23rd February को, लास्ट मंथ ही NCHMCT ने गाइज JNU के साथ कोलैबोरेशन करी है और अब JNU जो है वो BSc एंड MSc दोनों कोर्सेज को गाइज रिकॉग्नाइज करेगा जो NCHMCT ऑफर करता है ना। द अर्लियर कोलैबोरेशन विद इग्नू एंडेड नाउ। अगर JNU के बारे में आपको बताऊं तो JNU इज द सेकंड रैंक्ड नंबर 2 यूनिवर्सिटी बाय हूम, बाय NIRF, है ना। NIRF क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं यूनिवर्सिटी उनको रैंक देता है उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो जो JNU है गाइज वो नंबर 2 यूनिवर्सिटी है। बहुत बड़ी बात है कि आपकी जो MSc की डिग्री है वो उसको JNU रिकॉग्नाइज कर रहा है ना। मूविंग अहेड, रोल ऑफ NCHMCT, तो जितना भी करिकुलम है आपका, क्लासेस हैं, सिलेबस है, वो NCHM उसको डिजाइन कर रहा है, ओके। और
उसके बाद जो जेएनयू है गाइस वो इसको रिकॉग्नाइज करेगा आपको, जैसे इग्नू में पहले हम रजिस्टर करते थे, यहाँ भी थोड़ा जेएनयू में आपको थोड़ी सी फीस पे करनी पड़ेगी, वहां भी रजिस्टर करना पड़ेगा, इसके बारे में आपको बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। ऑलराइट देन गाइस, ये ब्रोशर में आगे बहुत इजी लैंग्वेज में है, है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना, मैं मेन मेन पॉइंट्स आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, वो है डायरेक्ट एडमिशन, है ना। तो गाइस डायरेक्ट एडमिशन उन बच्चों के लिए है जो अभी किसी होटल में काम कर रहे हैं या जिनके पास कम से कम 2 साल का होटल का एक्सपीरियंस है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन। मतलब होटल मैनेजमेंट करने के बाद अगर कोई होटल में काम कर रहा है और उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो डायरेक्ट एडमिशन के लिए एनसीएचएम की वेबसाइट पे अप्लाई कर सकता है। लेकिन वो सभी बच्चे जो भी अपने होटल मैनेजमेंट डिग्री के थर्ड ईयर में हैं, 6th semester में हैं या पिछले साल पास आउट हुए हैं और जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है होटल का, वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, उनको ये एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद ही वो उनको कोई ना कोई आईएचएम गाइस अलॉट होगा, ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है, है ना। तो डायरेक्ट के लिए जिनके पास जो एलिजिबल हैं वो डायरेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बीएससी के एकदम बाद एमएससी करनी है गाइस तो आपको जेई का एग्जाम देना पड़ेगा जो कि 28 मई को होने वाला है, है ना। फिर यहाँ पे लिखा है हाउ टू अप्लाई फॉर डायरेक्ट एडमिशन, तो उनकी थीम्स की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको अभी आपको मैंने दिखाया था, है ना, वहां पे आपको विजिट करना है और पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना है, बहुत ईजी रहता है। ऑलराइट देन उसके बाद, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो गाइज एमएससी है जो एनसीएचएम से एफिलिएट आईएचएम है, वो ओनली 17 ही ऐसे आईएचएम हैं जो एमएससी प्रोग्राम ऑफर करते हैं। तो ये 17 आईएचएम हैं, यहीं पे कहीं पे आपकी एडमिशन होने वाली है क्योंकि 17 आईएचएम ही एमएससी का प्रोग्राम गाइज ऑफर करते हैं, है ना। देन उसके बाद है लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, तो ये डेट्स यहाँ लिखी हैं, इनको ध्यान से देख लेना क्योंकि इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, बाकी गाइस मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्या है, है ना, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन क्या है, इसको आप एक बार देख लेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। अगर इस पूरी वीडियो को पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ओके, यहाँ पे मेन देख लें, 28 मई को आपका एग्जाम होना है। ओके, 28 मई को आपका एग्जाम होना है, है ना, तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, अप्रैल में ऑलमोस्ट आपके पास 2 महीने हैं, है ना, इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ये सिलेबस है, है ना, पैटर्न जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी आपको आगे मैं जब वो दिखाऊंगा कि कहाँ पे आप प्रिपरेशन कर, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, तो गाइज वहां भी आपको मैं सिलेबस दिखाने वाला हूँ, यहाँ ब्रोशर में भी बहुत डिटेल में दिया हुआ है। ओके ओके गाइज, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, ऐसे आपके क्वेश्चंस वहाँ पे ड्राफ्ट किए जाते हैं ना। बाकी ये पीडीएफ गाइज मैंने आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है और वहाँ से जाके आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है इस पीडीएफ में, इस ब्रोशर में, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल आपको कहाँ मिलने वाला है, कैसे मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे, एवरीथिंग। ओके, तो उस कोर्स के लिए गाइज आपने आ जाना है मेरी ऐप पे, राणा एजुकेशन मेरी ऐप का नाम है, उस ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है उस पर एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा और उस वीडियो का लिंक गाइज मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप इस ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइज इस ऐप को आप अपने फोन पे खोल सकते हो, अपने लैपटॉप पे खोल सकते हो, iOS पे खोल सकते हो, एंड्रॉयड किसी भी डिवाइस पे ये ऐप गाइज आप खोल सकते हैं। ओके, और उस ऐप को ओपन करने के बाद गाइज आपको जाना है स्टोर में, है ना, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ ये आप जैसे ही उस ऐप को ओपन करेंगे फिर आपने जाना है स्टोर पे। ओके, तो आप स्टोर पे जाएंगे। ऑलराइट, और स्टोर पे जाने के बाद गाइज आपने जाना है नीचे, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखें बहुत सारे फोल्डर आपको दिखेंगे कैटेगरी वाइज, है ना, यहाँ पे आपने जाना है एमएससी, एमएससी वाले पे क्लिक करेंगे तो ये कोर्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो कोर्स आपके सामने गाइज ऐसे ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, तो गाइज ये वाला वो कोर्स है एनसीएच, आप देख सकते हैं एनसीएचएम एमएससी जेडब्ल्यू 2023 कंप्लीट कोर्स। ओके गाइज ये वाला वो कोर्स है, इसका प्राइस रखा गया है 999 ओनली। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 999 ओनली। और गाइज इस कोर्स की वैलिडिटी रहने वाली है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 28 मई
2023 आपको जब एग्जाम होना है गाइज, तब तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। और इन केस आपका एग्जाम पोस्टपोन होता है, डेट्स के आगे बढ़ जाती हैं, तो आप सबकी जो वैलिडिटी है गाइज वो उस एग्जाम डेट तक बढ़ा दी जाएगी, है ना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ रीड मोर पे क्लिक करेंगे इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियोज एंड पीडीएफ एक्सप्लेनेशन, जो आपका सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग आपके बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। गाइस ये सेल्फ स्टडी कोर्स है, यहाँ पे लाइव क्लासेस नहीं होने वाली हैं। ट्रिपल लाइन में आपको एक पूरा कंप्लीट स्टफ दिया जाएगा जिसको पढ़ के आप बहुत अच्छा रैंक ला सकते हो और अपने मनपसंद आईएचएम में गाइस एडमिशन ले सकते हो, है ना। तो मॉक टेस्ट मिलेंगे फॉर प्रीवियस ईयर्स पेपर ऑफ एमएससी। सबसे बड़ा इस कोर्स का क्रक्स है वो ये है कि 2015 से लेकर 2022 तक जो एग्जाम हुए हैं एनसीएचएम एमएससी के, उन सभी पेपर्स को यहाँ पे डाला गया है और वो भी मॉक टेस्ट में कन्वर्ट करके, उनकी पीडीएफ फाइल नहीं है, उनको मॉक टेस्ट में कन्वर्ट किया गया है। आप उनको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बताएगा कि 100 में से अभी कितने मार्क्स गाइस आ रहे हैं, है ना। देन आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स पेपर एनएसटेट। आपको पता है एनएसटेट में एग्जाम होता है और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एनएसटेट के एमएससी में पूछे जाते हैं, एमएससी के एनएसटेट में पूछे जाते हैं, वो सारे पेपर्स आपको एनएसटेट के यहाँ पे मिलने वाले हैं, है ना। देन बहुत सारे आईएचएम्स में गाइस असिस्टेंट लेक्चर्स एंड लेक्चर के लिए जो एग्जाम होते हैं वहां उनके जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको यहाँ पे गाइस दिए हुए हैं, है ना। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे ऑल टॉपिक्स जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अभी आपको मैं सिलेबस भी दिखाऊंगा, जितने भी टॉपिक्स हैं गाइस उस सबके मॉक टेस्ट, आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। आपका जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है बीएससी एच एंड एच ए का, जहां से सारे क्वेश्चन आते हैं एमएससी में, उन सारे टॉपिक्स के आपको यहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट एड किए गए हैं। ट्रिक्स आपको बताए हुए हैं, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप कैसे एग्जाम में प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करेंगे, है ना। देन मंथ वाइज जीके आपको यहाँ मिल जाता है 2018 ऑनवर्ड्स, 2018 ऑनवर्ड्स आपको मंथ वाइज जीके यहाँ मिल जाता है, एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री न्यूज मंथ वाइज गाइज आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन गाइज पढ़ने के बाद, इसमें नोट है इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। उसके बाद हम चलते हैं कंटेंट में, है ना। इसका कंटेंट है, जैसे कंटेंट को गाइज ओपन करते हैं तो उसका कंटेंट आपके सामने ओपन होता है। सिलेबस अगर हम देखें तो ये गाइस इसका सिलेबस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्रोशर में भी आपने देखा होगा, है ना, और वो ही सिलेबस यहाँ पे एक अलग से पीडीएफ फाइल बना के ऐड किया गया है, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, ये आपका सिलेबस रहा, ओके आप देख सकते हैं, है ना। एफएनडी मैनेजमेंट है, फ्रंट ऑफिस, जो अभी हमने ब्रोशर में देखा वही सिलेबस है। इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ग्रेजुएशन लेवल के कितने क्वेश्चन आते हैं, जनरल में कितने क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके 100 एमसीक्यू होंगे, और जैसे आपको पता है इस बार आपका सीबीटी कंप्यूटर मोड पे एग्जाम होना है तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, आपका एक क्वेश्चन का आपको एक नंबर मिलता है। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग थी गाइज इसमें ऐड की गई है। तो गाइज इस सिलेबस को आप एक बार ध्यान से देख लेंगे, है ना। सिलेबस देखने के बाद कंटेंट में आपको और क्या मिल जाता है, यहाँ पे देखें सिलेबस वाइज लेक्चर्स एंड पीडीएफ नोट्स, इसको आप ओपन करेंगे तो जैसा आपका सिलेबस है एफएनबी मैनेजमेंट, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, अकोमोडेशन मैनेजमेंट, रेवेन्यू मैनेजमेंट, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनके पीडीएफ और उनके वीडियोस आपको यहाँ पे गाइस मिल जाएंगे, बहुत ही डिटेल वीडियो है, है ना। उसके बाद आपको इसमें मिलता है सिलेबस वाइज टॉपिक्स मॉक टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो आप देखें जैसे कि फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट है, उसके बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे एडेड है, अभी और भी इसमें गाइज एड किए जाएंगे। फ्रंट ऑफिस के हैं, अकोमोडेशन मैनेजमेंट के हैं, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सिलेबस में उनके अलग से मॉक टेस्ट आपको टॉपिक वाइज दिए हुए हैं ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन गाइज हो सके। उसके बाद आपका जो इसका क्रक्स है प्रीवियस ईयर्स एमएससी पेपर्स, है ना। तो आप देखें 2015 से लेके 17, 18, 19, 20, 21 और 22 का बहुत जल्दी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। जितने भी एनसीएचएम ने एमएससी के लिए एग्जाम करवाए हैं वो सारे गाइज आपको यहाँ पे दे दिए हुए हैं। मैं प्रीव्यू आपको उसका दिखा देता हूँ गाइज, ये जैसे आप इसको ओपन करेंगे ना तो ऐसा कुछ आपके सामने एक इंटरफेस खोलेगा, है ना, जहां पे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। आप देखें यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन है और ये 2021 का एग्जाम है ना, तो 100 क्वेश्चंस हैं। आप देखें क्वेश्चन नंबर 1+1 मींस आपको एक नंबर मिलेगा अगर आप सही करते हैं, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ओके। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने के बाद जैसे सबमिट करोगे लास्ट में तो आपको बताएगा कि आपके 100 में से कितने मार्क्स आए। ऑलराइट, तो ये इस कोर्स का क्रक्स है। आपको प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर्स के 7 सालों के पेपर मिल जाते हैं जो कि इसमें बहुत बड़ी आपकी हेल्प होने वाली है। देन एनएसटेट के पेपर आप यहाँ पे गाइस देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स एनएसटेट क्वेश्चन पेपर, है ना। इसको आप ओपन करेंगे तो देखें 17, 18, 19, 20 और अभी जो 22 में लेटेस्ट आपका एनएसटेट का एग्जाम हुआ है वो भी इसमें बहुत जल्दी एड कर दिया जाएगा ताकि आपको आइडिया रहे कि लेटेस्ट कैसे क्वेश्चन एनसीएचएम ने पूछे हैं एनएसटेट के पेपर में। देन असिस्टेंट लेक्चर्स एंड लेक्चर में जो
वेरियस आईसीएमएस में जो एग्जाम हुए हैं लेक्चर की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट लेक्चर की पोस्ट के लिए, वो सारे पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे। मंथ वाइज जीके मिल जाएगा, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री न्यूज मंथ वाइज मिल जाएगी। तो गाइस दिस स्टफ इज मोर देन इनफ, है ना, क्योंकि अगर आप इसी को भी कर लेंगे, बिलीव मी बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, है ना, इसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं एक्चुअली। अगर आप उन मॉक टेस्ट को ही लगाते रहे, रोज का एक एक मॉक टेस्ट लगाते रहे और प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करते रहेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और जो भी आईएचएम में आपको एडमिशन चाहिए वो डेफिनेटली गाइज आपको इसमें मिल जाएगी। तो ये गाइज हमारा पूरा एक ओवरव्यू था और मैंने कंटेंट आपको दिखा दिया है। अब आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले कोर्स लॉन्च कर दिया था। आप देखें 30 स्टूडेंट्स में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, है ना, 30 बच्चों ने इसमें ऑलरेडी एडमिशन ले रखी है और वो इसकी प्रिपरेशन गाइज कर रहे हैं। तो दीज 30 स्टूडेंट्स आर अहेड ऑफ यू, वो आपसे आगे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत पहले ही अपनी प्रिपरेशन गाइज शुरू कर दी थी। तो मैंने ऑलमोस्ट सभी कुछ जो भी इस कोर्स में है वो आपको बता दिया है, ओके। बाकी आपकी कोई क्वेरी रहेगी, कुछ भी आपको क्वेश्चन रहेगा, तो गाइज आप इस वीडियो के कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट कमेंट, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आप इस कोर्स को ज्वाइन करें।